हमारे कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हमने बात करनी है। देखिए रेलवे को लेकर के अब तक का सबसे बड़े बजट का ऐलान हुआ है, इसके अलावा कई सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सीधा आपको राजेंद्र देव के पास ले चलती हूँ, मेरे सहयोगी उनके साथ कुछ गेस्ट मौजूद है। राजेंद्र जी बात कीजिएगा, बताइएगा रेलवे को लेकर खासतौर पर जो बजट अलॉट हुआ है, इसी के साथ ही जो कृषि को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के क्या हमारे गेस्ट कह रहे हैं, कुल मिलाकर कैसा बजट देख रहे हैं वो? ये बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आइए बात करते हैं। हमारे साथ मनोज अग्रवाल साहब है, अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं, और वो हमें बताने जा रहे हैं कि इस बजट में सबसे पहले हम किसानों की बात कर लेते हैं, किसानी खेती के लिए इस बजट में क्या खास लग रहा है सर आपको? जो इस बजट में किसानों के लिए आया है उनको, एक तो जितने किसान परिवार हैं उनको पहले से 2000 रुपए की जो छूट दी जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी, आगे भी किसान सम्मान निधि वो जारी रहेगा, और किसानों को जो रिबेट मिल रही है फर्टिलाइजर पे और चीज़ों पर वो भी सारी कंटिन्यू रहेगी जी जी। और मैं ये समझता हूँ किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छा बजट आया है, और अच्छा आने के पीछे रीज़न सीधा सीधा एक ही है कि ये एक चुनावी बजट है, चुनावी बजट के तहत किसानों को खुश किया गया है, और भी कुछ दिया जा सकता था लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूँ, मतलब जो हुआ ठीक है, ठीक है, संतुष्ट, और भी बेहतर कर सकते थे लेकिन चुनाव के लिहाज से ठीक है, ठीक है। चलिए तो पूजा, मनोज जी बता रहे हैं कि चुनाव के लिहाज से भी और वैसे भी देखा जाए तो किसानों के लिए खेती के लिए है, इससे भी बेहतर हो सकता था इनका ऐसा आकलन है, लेकिन जो है वो भी बुरा ठीक है। राजेंद्र जी स्नेहलता, महिलाओं के लिए जो ऐलान हुए हैं महिलाएं खुश है क्या? महिलाएं और जो पीएम प्रणाम योजना शुरू हुई है, कृषि त्वरक कोष योजना शुरू हुई है, ये सारी योजनाएं कैसे हैं, चुनावी फायदे के लिए या वाकई इसका जमीनी स्तर पर असर दिखेगा? देखिए पूजा, सबसे पहले आप भी महिला मैं भी महिला, और हमारी सैलरी और टैक्स डिडक्शन और कुल मिलाकर के जो फाइनेंसेस हैं, अगर घर का फाइनेंस, घर की होम मिनिस्टर होती है महिला और उसे अब टैक्स में छूट, कहीं ना कहीं उसके लिए भी फायदे की बात है। मेरे साथ हैं रमन अग्रवाल सर, विशेषज्ञ हैं फाइनेंस में, इनकी अच्छी पकड़ है, इनके अनुभव के हिसाब से ये टैक्स और में छूट या तमाम जो पूरे बजट को आप ओवरऑल देख रहे हैं सर, आपको कैसा लग रहा है? देखिए एक अहम बात हमें समझनी होगी कि जो फोकस है बजट का वो किया गया है टैक्स रिजीम को और ओवरऑल रिजीम को सिंप्लीफाई करना है, उसको थोड़ा आसान बनाना है, और इसके लिए जैसे छूट दी गई, अब जो न्यू टैक्स रिजीम है जैसे उसको और अट्रैक्टिव बना दिया गया, कहा गया कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो न्यू रिजीम क्या है, न्यू रिजीम में आपको कोई झमेलों में नहीं पड़ना, क्या डिडक्शन 80C 80D, कोई डिडक्शन कुछ नहीं, आपकी एक सिंपल इनकम है उस पर आपका प्रेजेंटिव टैक्स होगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि जैसे MSMEs हैं उनके लिए अगर टर्नओवर पहले थी 2 करोड़, अब उसको बढ़ा के कर दिया 3 करोड़, तो आपकी 3 करोड़ तक की टर्नओवर है तो आपका प्रेजेंटिव टैक्स है, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखने, कोई डिटेल्स नहीं रखनी, तो एक प्रेजेंटिव, तो सिंप्लीफिकेशन की ओर जा रहा है सर। मतलब कुल मिलाकर के टैक्स को आसान बनाने की कोशिश रहेगी, और इस तरीके से देखा जाए सर आपने फोकस किया कि हेल्थ को लेकर के किस तरीके से गवर्नमेंट ने पिच किया है। हेल्थ में भी जैसे इन्होंने, क्योंकि वो पार्शन में पूरी तरह सुन नहीं पाया था, उसमें भी इन्होंने देखिए मेरे ख्याल कुछ आउटले वगैरह सब बढ़ाया है हेल्थ को लेके, और एक वो नर्सिंग स्कूल्स खोलने की बात की गई है, स्किलिंग पे बहुत जोर है क्योंकि स्किलिंग की हमें बहुत जरूरत है। ठीक है ठीक है, स्किल्स का वापस से आपके पास लौटूंगी, अवधेश जी के पास ले चलती हूं दर्शकों को। अवधेश जी हमारा देश नेशन ऑफ सेवर्स है, ABP गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।